हेलो माय डियर स्टूडेंट्स वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स दिस इज योर टीचर शिल्पी तिवारी और आज क्लास फिफ्थ का जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं जनरल नॉलेज में उस टॉपिक का नाम है अमेजिंग ट्रीज की एक्सरसाइज सो चिल्ड्रन इन द चैप्टर ऑफ अमेजिंग ट्रीज हमने कुछ उन स्पेशल ट्रीज के बारे में पढ़ा था जो उन्हें बनाते हैं स्पेशल और क्यों बनाते हैं स्पेशल भाई उनके पास होते हैं कुछ अच्छे अच्छे कैरेक्टरिस्टिक्स कोई प्लांट है तो बहुत ऊंचा था कोई प्लांट है तो बहुत बूढ़ा था कोई प्लांट था तो जो बहुत छोटा था और इसलिए चिल्ड्रन पूरी दुनिया में ये सिर्फ कुछ ही ऐसे ट्रीज और प्लांट्स हैं जो हो जाते हैं हमारे लिए अमेजिंग ट्रीज ओके सो वी डिस्कस्ड फ्यू ट्रीज़ एंड वी आल्सो डिस्कस्ड अबाउट डिटेल्स के भाई कब से हैं और कौन से एरिया में है व्हाट इज द रीजन बिहाइंड ऐसा क्यों है उनके साथ में एंड वाई डू वी कॉल देम अमेजिंग ट्रीज तो चिल्ड्रन आफ्टर द चैप्टर हम क्या करते हैं हम करते हैं एक्सरसाइज को सॉल्व ताकि सब कुछ यहां पर रहे स्टोर्ड अदरवाइज क्या होगा कि चैप्टर पढ़ के आप चल दोगे खेलने इसलिए जरूरी है कि आप रिवाइज करो और रिवाइज करोगे एक्सरसाइज के फॉर्म में तो यहां पर हमेशा हमेशा के लिए हो जाएगा फिट ओके सो चिल्ड्रन लेट स्टार्ट एंड डू द एक्सरसाइज ऑफ टॉपिक अमेजिंग ट्रीज ओके सो चिल्ड्रन आंसर दे फॉलोइंग क्वेश्चन तो आपके पास में क्वेश्चन है आपको क्वेश्चन को समझना है और विद दी हेल्प ऑफ दिस हेल्प बॉक्स आपको आंसर को चूज करना है इज इंट एट सिंपल क्योंकि चैप्टर तो पढ़ा है चैप्टर के बारे में समझ भी लिया है सब कुछ अब बस सेंटेंस को पढ़ के ये रियलाइज करना है कि ये कौन से ट्री के बारे में बात हो रही है कौन सा ट्री है जिसके अंदर ये सारे थे ओके चिल्ड्रन सो लेट्स डू द फर्स्ट क्वेश्चन वर्ल्ड टॉलेस्ट ट्री विच ग्रोस इन रॉक फिलर फॉरेस्ट कैलिफोर्निया इट इज थ्री टाइम्स द हाइट ऑफ स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी इन न्यूयॉर्क तो क्वेश्चन देख के ये तो समझ में आ रहा है कि कोई ट्री का नाम पूछा जा रहा है और वो भी कैसे ट्री का जो कि है वर्ल्ड का टॉलेस्ट ट्री जो कि दुनिया का सबसे ऊंचा पेड़ है उसके बारे में पूछा जा रहा है अब ये दुनिया का जो सबसे ऊंचा पेड़ है वो कहाँ पाया जाता है रॉकवेलर फॉरेस्ट कहाँ के कैलिफोर्निया के तो ऑब्वियसली ये जो ऊंचा सा पेड़ है ये मिलता है कैलिफोर्निया माने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इट इज द हाइट ऑफ स्टैचू ऑफ लिबर्टी इन न्यूयॉर्क और जो न्यूयॉर्क में सबसे ऊंचा स्टैचू है जिसे हम जानते हैं स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के नाम से ये पेड़ उससे भी कितना ऊंचा है थ्री टाइम्स ओके सो चिल्ड्रेन विद्प ऑफ दिस हेल्प बॉक्स आपको इस पेड़ का नाम बताना है right. so, imagine, एक स्टैचू है जो ऑलरेडी दुनिया का सबसे ऊंचा स्टैचू है और उससे भी तीन गुना ऊंचा कोई पेड़ है जो कि सिचुएटेड है कैलिफोर्ट फ़ोनिया में तो उस पेड़ का नाम क्या है सो so, चिल्ड्रन हमने उस ट्री के बारे में पढ़ा था और सबसे शुरुआत ही हमने इस ट्री से की थी और अगर नहीं याद आ रहा है तो लेट मी टेल यू द नेम ऑफ दिस ट्री चिल्ड्रन द नेम ऑफ दिस ट्री इज कोस्ट रेडवुड क्या नाम है कोस्ट रेडवुड जिसे हम हाइप्रियन के नाम से भी जानते हैं ओके सो कोस्ट रेडवुड कह लो या फिर हाइप्रियन कह लो बट आंसर आपको यहाँ पर लिखना है कोस्ट रेडवुड क्योंकि आपके हेल्प बॉक्स में दिया हुआ है कोस्ट रेडवुड ओके सो द आंसर इज कोस्ट रेडवुड इज द वर्ल्ड टॉलेस्ट ट्री विच ग्रोज इन रॉक फॉरेस्ट कैलिफोर्निया ओके Coast Redwood. And do you know the height of the tree, children? भाई यहाँ पे बोल रहे हैं कि Statue of Liberty से भी तिगुना है तो इसकी height क्या होगी इस coast redwood की height क्या होगी So children, it is somewhere around 331 feet. ओके नॉर्मल ह्यूमन बींग्स की जो हाइट होती है वो सिक्स फीट तक की होती है अब यहाँ पे जो ट्री की बात हो रही है उसकी जो ऊंचाई है दैट इज थ्री थर्टी वन अप्रोक्सीमेटली फीट सो यू ओनली इमेजिन कितना ऊंचा ये पेड़ होगा सो चिल्ड्रेन प्लीज रिमेंबर दिस कभी भी आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाए कि दुनिया का सबसे ऊंचा पेड़ क्या है तो आपको ध्यान में रखना है दैट इज कोस्ट रेडवुड जो कि पाया जाता है कैलिफोर्निया के फॉरेस्ट में क्लियर ओके सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन द ओल्डेस्ट ट्री अबाउट 5,000 थाउजेंड इयर्स ओल्ड इन कैलिफोर्निया एंड नेवाड़ सो चिल्ड्रन, अब आफ्टर द दर्स्ट ट्री वी रेड अबाउट वन ट्री जो कि है दुनिया का सबसे पुराना ट्री याद आया कुछ यस yes, सबसे बूढ़ा ट्री जो कि लगता है कुछ ऐसा ओके सो चिल्ड्रन ये जो ओल्डेस्ट ट्री है जिसकी एज है अराउंड फाइव थाउजेंड ईयर्स ओके फाइव थाउजेंड ईयर्स आप ही मुश्किल से होंगे टेन ट्वेल्व ईयर्स के अब ये जो पेड़ है ये है पाँच हजार साल ओल्ड सो सोचिए इन्होंने कितनी बार अपना बर्थडे बनाया होगा राइट सो चिल्ड्रन ये जो पेड़ है ये सबसे ओल्डेस्ट ट्री है और पाया जाता है कैलिफोर्निया और नेवाड़ा में लेकिन इस पेड़ का नाम क्या है पता तो है लिखा भी है कि ओल्डेस्ट ट्री है पाँच हजार साल पुराना है और मिलता है कैलिफोर्निया में देन व्हाट इज द नेम ऑफ दिस ट्री चिल्ड्रन ओके सो द नेम ऑफ दिस ट्री इज ब्रिसल कोन पाइंस ओके सो द नेम ऑफ दिस ओल्डेस्ट ट्री इज ब्रिसल कोन पाइंस जिसका निक नेम मेथुसेलाह भी था सो वाइल वी वर डूइंग द चैप्टर एक्सप्लेनेशन हमने ये जाना था कि इस ओल्ड ट्री का नाम मेथुसेला भी है जो कि उसका निक नेम है ओके बट इन योर हेल्प बॉक्स द आंसर इज ब्रिसल कोन पाइंस तो इसलिए हम ये दुनिया के सबसे ओल्डेस्ट ट्री का नाम लिखेंगे ब्रिसल कोन पाइंस विच इज अराउंड फाइव थाउजेंड ईयर्स ओल्ड सो जस्ट इमेजिन इमेज्रन इस पेड़ ने क्या क्या चीजें देखी होंगी पाँच हजार साल में राइट right? सौ साल ही इतने ज़्यादा होते हैं, यहाँ पर तो ये पेड़ पांच हजार साल से है तो इसने क्या क्या चीजें देखी होंगी प्लान अर्थ में होते हुए इज इंट इट अमेजिंग एंड दैट इज वाई दिस ट्री जिसका नाम है ब्रिस्ल कोड बिन पुट इन द लिस्ट ऑफ

उस ट्री के जो लीव्स हैं वो ऐसे अरेंज्ड है जैसे कि शेप ऑफ अ बिग फैन जैसे बड़ा पंखा होता है ना हाथ वाला पंखा देखा है आपने जब इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है तो फिर हैंड फैंस का इस्तेमाल किया जाता है तो उसके ऊपर के जैसे लीव्स होते हैं चिल्ड्रन उसी प्रकार के इस पेड़ के क्या है लीव्स हैं जो कि शेप दे रहा है कैसा वो शेप दे है फैन की तरह और ये जो पेड़ है जिसके लीव्स हैं फैन की तरह वो पाया जाता है मेडागास्कर माने कि अफ्रीका में तो इस पेड़ का नाम क्या है सो चिल्ड्रन द नेम ऑफ दिस ट्री इज ट्रैवलर्स ट्री व्हाट डू वी कॉल ट्रेवलर्स ट्री चिल्ड्रेन और इन्हें फैन के शेप की लीव्स होने के कारण फैन बनानाज के नाम से भी जाना जाता है सो ट्रैवलर्स ट्री एंड फैन बनानाज आर वन थिंग ओनली तो इधर यू कैन राइट ऑन ट्रैवलर्स ट्री और यू कैन राइट ऑन फैन बनानाज ठीक है तो so, हम यहाँ पर लिखेंगे ट्रैवलर्स ट्री और हमने इसका रीज़न भी डिस्कस किया था कि क्यों इन्हें ट्रैवलर्स ट्री का नाम दिया गया है ट्रैवलर का मतलब तो होता है जो कि खूब ट्रैवल करते हैं जो कि घूमने फिरने जाते हैं जो टूअर्स पे जाते हैं तो इस ट्री का नाम ट्रैवलर्स ट्री क्यों दिया गया है सो so, चिल्ड्रन उसका कारण है उसका कारण ये है कि जो ये लीव्स हैं ट्रैवलर्स ट्री के उनके अंदर वाटर स्टोर हो जाता है अब आप सोचिए कि आप अफ्रीका के घने जंगलों में घूम रहे हैं और आपको बहुत ज़ोर से प्यास लगी है और कहीं भी पानी अवेलेबल नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं आप ट्रैवलर्स ट्री के लीव्स को तोड़ के पानी पी सकते हैं और अपनी प्यास बुझा सकते हैं और इसलिए इस पेड़ का नाम है ट्रैवलर्स ट्री जिसे हम फैन बनैनाज के नाम से भी जानते हैं Okay, so please remember this amazing tree. A tree from Madagascar has leaves arranged in the shape of a big fan. The name of that tree is Traveler's Tree or Fan Bananas. Clear? Okay. Next question. Smallest tree in the world. अब भाई ट्री पढ़ लिया ओल्डेस्ट वाला ट्री पढ़ लिया फैन वाला ट्री पढ़ लिया अब छोटे से ट्री के बारे में भी जानते हैं क्या कहते हैं स्मॉलेस्ट ट्री इन द वर्ल्ड को यस दुनिया का सबसे छोटा पेड़ उस छोटे पेड़ का नाम क्या है उस दुनिया के सबसे छोटे पेड़ का नाम क्या है सो so, चिल्ड्रन दुनिया के सबसे छोटे पेड़ का नाम है ड्वार्फ विलो क्या नाम है ड्वार्फ विलो भाई नाम में ही बोना लिखा हुआ है और इसलिए इसका नाम है ड्वार्फ विलो ओके okay? सो so, चिल्ड्रन जो ये डॉलॉल्फ विलो है ये कहाँ पाया जाता है ये पाया जाता है कोल्डेस्ट रीजन ऑफ नॉर्दर्न हेमस्फेयर ओके सो ये जो डॉल्फ विलो है जो कि दुनिया का सबसे छोटा वुडी प्लांट है और ये क्या एक ट्री नहीं है ये एक श्रब है आपको तो पता ही होगा जिनकी हाइट नहीं बढ़ती जिन पौधों की उनको हम श्रब्स कहते हैं एंड ऑल्सो दिस ट्री हैजुडी स्टेप और छोटे हैं हाइट में हार्डली ये वन टू सिक्स सेंटीमीटर तक ग्रो कर पाते हैं दिस ड्वार्फ विलो और इसलिए इन्हें श्रब्स की कैटेगरी में रखा गया है और ये जो ड्वार्फ विलो है ये पाए जाते हैं कोल्डेस्ट एरियाज में इन्हें ठंड चाहिए होती है और जो कोल्डेस्ट रीजन ऑफ नॉर्दर्न हेमस्फेयर है वहां पर ये आपको मिलते हैं एंड द नेम ऑफ दिस प्लांट इज ड्वार्फ विलो ओके सो यू कैन सी द हाइट इनकी हाइट हार्डली वन से सिक्स सेंटीमीटर तक ही ग्रो करती है और इसलिए इन्हें नाम दिया गया है डॉल्फ विलो का और जो इनकी स्टेम है यू कैन सी इट इज वुडी चिल्ड्रन एंड दैट इज वाई दिस प्लांट हैज़ बीन केप्ट इन द कैटेगरी ऑफ श्रॉप क्लियर माई डियर स्टूडेंट्स यू हैव टू रिमेंबर द नेम्स ऑफ दीज अमेजिंग ट्रीज कभी भी आपसे कुछ सेंटेंस के थ्रू या फिर पिक्चर के थ्रू क्वेश्चन पूछा जा सकता है देन यू मस्ट नो देशम्स ऑफ दीज अमेजिंग ट्रीज ओके मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दिस ट्री प्रोड्यूस द बिगेस्ट सीड वेइंग अप टू ट्वेंटी के जी कैन यू नेम द ट्री सो चिल्ड्रेन दिस ट्री इस पेड़ का जो सीड है ओके okay, वो कितने वजनदार का है That is children up to 20 so, इस पेड़ का जो बीज है वो दुनिया का सबसे भारी भरकम बीज है दैट इज अराउंड ट्वेंटी के जी अब ये जो पेड़ है इसका नाम बताओ ऑल्सो पूरे वर्ल्ड में दिस ट्री द लार्जेस्ट वाइल्ड फ्रूट, ओके? सो सबसे बड़ा फ्रूट भी यही पेड़ पैदा करता है और सबसे भारी भरकम बीज भी इन्हीं की कृपा से मिलता है जो कि होता है ट्वेंटी के अराउंड क्या नाम है इस पेड़ का और कहा पाया जाता है सो चिल्ड्रन द नेम ऑफ दिस ट्री इज स्ट्रेटस्फेयर जाइंट वॉट इज द नेम स्ट्रेटस्फेयर जाइंट अब आप देखिए कि नाम में ही जाइंट लिखा हुआ है और जाइंट का मतलब तो होता है सबसे बड़ा और इसलिए इस पेड़ का नाम है स्ट्रेटोस्फेर जाइंट कैन यू सी सीड्स हाउ हैवी दी सीड्स लुक एंड दीज वे अराउंड ट्वेंटी केजीज and this tree is found in the islands of Seychelles. Okay, so Indian Ocean में जो एक island है जिसका नाम है Seychelles, वहाँ पे ये पेड़ पाया जाता है. जिसका नाम है ज़ाइंट। इस स्टेटोसफेयर ज़ाइंट को हम एक और नाम से जानते हैं जो वहाँ के लोकल लोग यूज करते हैं ओके, सो चिल्ड्रन, कैन यू सी द साइज ऑफ द सीट आप इस सीड्स को देखिए और आपको खुद ही फील हो जाएगा कि ऑफकोर्स ये जो सीड्स हैं ये ट्वेंटी के के होंगे और इसीलिए इन्हें नाम दिया गया है स्टेटोसफेयर जॉइंट का क्लियर डियर स्टूडेंट्स समझ में आ रहा है आपको और क्यों इन्हें अमेजिंग ट्रीज की लिस्ट में रखा गया है भाई हर एक ट्री हर एक प्लांट में कोई ना कोई स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है क्लियर ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इट इज अ वाटर प्लांट द स्टेम ऑफ दिस प्लांट वॉज यूज टू मेक अ मटीरियल पेपर लाइक ऑन विच द एंशियंट इजिप्टियंस कुड राइट चिल्ड्रन so, ये कौन सा प्लांट है ये है वाटर प्लांट है ना स्टार्टिंग में ही लिखा है कि इट इज अ वाटर प्लांट द स्टेम ऑफ दिस प्लांट वॉज यूज टू मेक अ मटीरियल ऑन विच द एंशंट इजिप्टियंस इस प्लांट का जो स्टेम है माने जो स्टेम होती है टहनी जो है स्टेम जो है चिल्ड्रन इस स्टेम को यूज करके एक मटीरियल बनाया जाता है जो कि हो जाता है पेपर जैसा जिस पे जो पुराने इजिप्ट के लोग थे ओके okay, जिस पे पुराने इजिप्ट के जो लोग थे वो उस पे लिखा करते थे भाई पहले से तो पेपर प्रोड्यूस नहीं हो गया पेपर इन्वेंट नहीं हो गया दुनिया में पेपर प्रकट नहीं हो गया तो लोगों के पास में क्या साधन था लिखने के लिए तो इसी तरह से वो किसी पेड़ के पत्तों में या फिर किसी टहनियों में पत्थरों पे लिखा करते थे तो ये जो पेड़ है जिसकी हम बात कर रहे हैं इसे बेसिकली हम कहते हैं वाटर प्लांट और जो इनके स्टेम होते हैं इस प्लांट के उसको बनाया जाता है एक मटेरियल में जो कि लगता है पेपर की तरह और उस पेपर पे ये एंशेंट इजिप्टियंस क्या करते थे लिखा करते थे तो सबसे पहले जो लिखना की शुरुआत हुई है इस तरह के पेपर पे इस तरह के पेड़ के स्टेम को यूज़ करके पेपर पे वो हुई थी इजिप्ट से ही शुरुआत लेकिन क्या नाम है स्ट्री का जिसके बारे में हम इतनी बातें कर रहे हैं वॉट इज द नेम ऑफ दिस वॉटर प्लांट चिल्ड्रन ओके सो दिस वॉटर प्लांट इज पैपिर क्या नाम है Papyrus. और ये कहा पाया जाता था इजिप्ट में ही अब इजिप्ट में ही पेपर बन रहे हैं ना इसको यूज करके और नाम में ही देखो क्या निकल रहा है पेपर जैसा नाम आ रहा है ना साउंड कर रहा है सो पैपी रेस्ट चिल्ड्रन क्लियर सो पैपी जो था वो इजिप्ट में पाया जाता था और पेपी के स्टेम को यूज़ करके एक मटेरियल पेपर जैसा बनाया जाता था जिस पे एंशिएंट इजिप्टियंस जो होते थे वो क्या लिखा करते थे वो कुछ कुछ चीज़ें लिखा करते थे ओके okay? तो आप देख सकते हैं कि जो प्लांट्स ये जो ट्रीज हैं ये कितना हमारे काम आते थे है कि नहीं पानी दे रहे हैं खाना वाना तो हमें देते ही हैं ऑक्सीजन तो हमें देते ही हैं और साथ में कुछ ना कुछ इनके पास में स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स भी होते हैं ओके ऑल राइट सो पैपी रस और पेपी रस को अगर आपको देखना है सो द इमेज इज नेक्स्ट टू मी यू कैन सी दैट दिस इज हाउ द पैपी रस लुक्स लाइक ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ Indian tree with leathery leaves gives us fragrant oil and aromatic food. अब इतनी देर से हम उन ट्रीज और प्लांट्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं जो कि पाए जाते हैं कैलिफोर्निया में और या तो फिर नॉर्दर्न में जाता है हमारी कंट्री इंडिया में और इसलिए नाम है इंडियन ट्री और इस इंडियन ट्री में क्या खास बात है सो so, चिल्ड्रन इस इंडियन ट्री में ये खास बात है कि इसकी जो लीव्स है वो कैसी होती है इसकी जो लीव्स है वो है चिल्ड्रन लेदरी ओके और साथ में ये जो ट्री है वो देता है आपको फ्रेग्रेंट ऑयल एंड अरोमेटिक वुड माने खुशबूदार तेल और चंदन जैसी लकड़ियाँ माने जो खुशबू खुशबू वाली लकड़ियाँ होती हैं वो भाई इस ट्री का नाम क्या है जिसमें इतनी सारी खुशबू हैं और ये जो ट्री है ये काफ़ी चीज़ों में काम में आता है स्पेशली फ्रेगरेन्स बनाने में ओके सो ये जो इंडियन का जो ट्री है जिसके अंदर है बहुत सारे फ्रेगरेन्सेस और इतनी अच्छी अरोमास इस ट्री का नाम क्या है चिल्ड्रन so, इस ट्री का नाम है सैंडलवुड ट्री जिसे हम कहते हैं चंदन का पेड़ ओके okay? सैंडलवुड ट्री और जो सैंडल वुड ट्री है ये काफी प्रोडक्ट्स बनाने में काम में आता है इसकी लकड़ियाँ इसके पत्ते हर एक चीज सारी बहुत सारी चीजें बनाने में काम में आते हैं जैसे सोप अगरबत्तियाँ खुशबू बनाना फ्रेग्रेंस बनाना परफ्यूम्स बनाना डियो बनाना ये सारी चीजें इस्तेमाल की जाती हैं सैंडल ट्री को इसलिए जो सैंडलवुड ट्री होता है वो काफी ज्यादा क्या होता है कॉस्टली होता है इसकी लकड़ियाँ बहुत कॉस्टली होती हैं और इनके जो फॉरेस्ट हैं सैंडलवुड के इन्हें आसानी से कोई भी कट नहीं कर सकता ओके सो चिल्ड्रेन दिस इंडियन ट्री जिसके अंदर बहुत अच्छी फीचर्स हैं और वो हैं गुड फ्रेग्रेंस उसका नाम है सैंडलवुड ट्री ओके नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एथ क्वेश्चन वेन टच्ड जब छुआ जाता है लीवस ऑफ दिस प्लांट फोल्ड इमीडिएटली भाई इस पेड़ के पत्तों को जब छुआ जाता है वेन टच्ड मतलब वेन यू आर टचिंग एंड वेन द लीव्स आर यू आर टचिंग दैम

इस पेड़ का नाम क्या है सो so, इस पेड़ का नाम बहुत ही अच्छा है और वो है टच मी नॉट प्लांट ओके नाम में ही लिखा है टच मी नॉट कि अगर आपने छुआ तो क्या होगा पत्ते मेरे बंद हो जाएंगे और इसलिए इस प्लांट का सीधा सीधा नाम है और वो है टच मी नॉट प्लांट छू मत मुझे ओके तो आप देखो चिल्ड्रन कि ये सारे जो ट्रीज और प्लांट्स हैं कितने खास बने हुए हैं और ये सब दिए गए हैं किसके द्वारा नेचर के द्वारा भाई इनके अंदर जो भी कैरेक्ट्रिस्टिक्स हैं फीचर्स हैं वो नेचर ने ही दिया है ना और आप देखो कि सब में कितनी अलग अलग खूबियां हैं कुछ हैं तो कितने ऊंचे हैं दैट यू कैन नॉट इवन इमेजिन कुछ हैं तो कितने सालों से हमारे साथ हैं और कुछ इतने छोटे हैं कि जिनके बारे में आप कल्पना भी नहीं कर सकते कुछ प्लांट हैं जो हर जगह सिर्फ खुशबू बिगेते हैं और कुछ जो है छूने से ही सो जाते हैं सो चिल्ड्रन दीज अमेजिंग ट्रीज आर रियली रियली वेरी ऑसम

So children, ये थी आपकी एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर अमेजिंग ट्रीज क्लास फिफ्थ। आई होप यू हैव इंजॉयड विथ मी क्योंकि जब कुछ चीज हट के पता चलती है तो ऑब्वियसली बहुत अच्छा लगता है क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है एक्साइटिंग सा हो जाता है इज इंट इट सो चिल्ड्रेन मैग्नेट ब्रेन एक ऐसा चैनल है जो आपको देता है किंडी गार्डन टू ग्रेट ट्वेल्थ फ्री वीडियोस एंड फ्री एजुकेशन वो भी क्वालिटी एजुकेशन चिल्ड्रन और आपको मैग्नेट ब्रेन से पढ़ने के लिए किसी भी प्रकार की कूपन कोड लेने की आवश्यकता नहीं है साथ में मैग्नेट ब्रेन आपको बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स की भी तैयारी कराता है जैसे ओलंपियाड हो गया एन हो गया सी हो गया नीट यूपी बिहार बोर्ड स्पोकन इंग्लिश वगैरह वगैरह तो मैग्नेट ब्रेंस को जहाँ आपने सब्सक्राइब किया आपको सारे कोर्सेज मिलने शुरू हो जाएंगे ओके okay, चिल्ड्रन और साथ में अगर आपको मैग्नेट ब्रेन से जुड़ी कोई भी जानकारी लेनी हो तो यू कैन फॉलो अस ऑन फेसबुक इंस्टा और ट्विटर ओके क्योंकि मैग्नेट ब्रेन की सारी जानकारियाँ भी तो आपको मिलती रहनी चाहिए माय डियर स्टूडेंट्स क्लियर ओके So, ये था आपका टॉप एक अमेजिंग ट्रीज नेक्स्ट क्लास में हम इसी तरह एक बहुत ही एक्साइटिंग वीडियो के साथ में मिलेंगे विथ योर न्यू चैप्टर सो बने रहना मेरे साथ मैग्नेट ब्रेन्स के साथ क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जो देता है किडिंग टू ग्रेट ट्वेल्व फ्री वीडियोज एंड फ्री एजुकेशन थैंक यू